नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय डिजिटल लाइब्रेरी पर। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने विलोम शब्द पर चर्चा की थी और आज की वीडियो में हम पर्यायवाची देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची कहते किसे हैं, पर्यायवाची है क्या, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम परिभाषा पर चर्चा करेंगे। परिभाषा मतलब पर्यायवाची की परिभाषा। तो पर्यायवाची में पहले शब्द आता है पर्याय। तो पर्याय का अर्थ क्या होता है, पर्याय का अर्थ होता है समान, तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। तो पर्यायवाची का अर्थ क्या हो गया, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची, पर्याय मतलब समान, तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। तो मतलब समान बोले जाने वाले, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता, समान अर्थ देते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में देखें तो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक भी कहते हैं। समानार्थक मतलब समान अर्थ देने वाले, जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, इन सभी शब्दों का अर्थ है सूरज। इस प्रकार ये सभी शब्द सूरज के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, पर्यायवाची मतलब पर्याय समान, वाची मतलब बोले जाने वाले, समान अर्थ देने वाले, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जो समान अर्थ देते हो, उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया गया उदाहरण के रूप में। अब पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। इन्हें पर्यायवाची, समानार्थक और प्रतिशब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द, समउच्चरित प्राय शब्द इत्यादि। अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो शब्दों को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। जब आप शब्द के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में, तब वहाँ पे आप विस्तृत जान सकेंगे कि शब्द को जो है मतलब कैसे कैसे बांटा जा सकता है। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, एक अर्थ वाले, विपरार्थक, विपरीत अर्थ वाले, समउच्चरित प्राय शब्द मतलब जिसका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है, ऐसे शब्द। तो शब्दों के अनेक प्रकार होते हैं। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। संस्कृत में इनकी अधिकता है, संस्कृत में जो है इनकी अधिकता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द से, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। यहाँ एक बात ध्यान रखने कि यह है कि इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। कहने का मतलब ये है कि पर्यायवाची शब्द जैसे अर्थ भले समान हो, लेकिन हम उसे एक विशेष शब्द को किस स्थान पर, किस शब्द, किस स्थान, किस विषय, किस वाक्य में प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अर्थ भले ही एक हो, लेकिन हम सभी शब्दों को कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते, उसके विषय और स्थान के अनुसार ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे हम कुछ विशिष्ट पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। जो पर्यायवाची शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ का यहाँ पे दिया है, पहला है अतिथि। अतिथि का क्या क्या हो जाएगा, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पहुना। फिर है अमृत, सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीर, जीवनोदक। फिर है अग्नि, आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहिताश्व, वायुसखा, विभावशु, हुताशन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृषाणु, वही, सिखी।
फिर है अनुपम, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य। फिर है अर्थ, है तुड़ंग, वाज, घोड़ा, घोटक। फिर असुर, यातुधान, निशीचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर। अलंकार, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अहंकार, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। अहंकारी, गर्वित, अकड़ू, मगरूर, अकड़बाज, गर्वीला, आत्म अभिमानी, ठस्सेबाज, घमंडी। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पहुना। अर्थ, धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा। अश्व, है तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, तुरग, वाज, सैंधव। अंधकार, तम, तिमिर, तिमिश्र, अंधेरा, तमस, अंधियारा। अंग, अंश, अवयव, हिस्सा, संघटक, घटक, उपादान, खंड, भाग, टुकड़ा, शरीर, तन, देह, गात्र। फिर अभिमान, अस्मिता, अहंकार, अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मान्यता, आत्मशलाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान। इसके आगे देखेंगे, अरण्य, अरण्य, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अनि, कटक, दल, सेना, फौज, चंपू, अनि, चमू, अनिकिनी। अनादर, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना, परिभव, तिरस्कार। अंकुश, नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गजाकुश, हाथी को नियंत्रित करने की किल, नियंत्रण करने योग्य या रोकने का तरीका। अंजाम, नतीजा, परिणाम, फल, अंत, समाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री, समापन। अंतर, भिन्नता, असमानता, भेद, फर्क। अंतरिक्ष, खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल। अंतर्धान, गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य। अंदर, भीतर, आंतरिक, अंदरूनी, अभ्यंतर। अंदाज, अंदाजा, अटकल, कयास, अनुमान। अंधा, सूरदास, अंधारा, नेत्रहीन, दृष्टिहीन। अंबर, आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। अंबु, जल, पानी, नीर, क्षीर, सलिल, वारी। अंबुज, कमल, पंकज, नीरज, वारिज, जलज, सरोज, पदम। अंबुद, मेघ, बादल, घन, घनश्याम, अंबुधर, घटा। अंबुनिधि, समुंदर, सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, जलेश। अंशु, रश्मि, किरण, किरण, मयूख, मरीचि। अंशुमान, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। अक्कड़बाज, ऐठू, गर्वीला, घमंडी, अकड़ूखा, अहंकारी। अकिंचन, गरीब, निर्धन, दीनहीन, दरिद्र। अकृतज्ञ, एहसास, फरामोश, बेवफा, नमक हराम। अक्ल, प्रज्ञा, मेधा, मति, बुद्धि, विवेक। अखिलेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, खुदा। अगम, दुष्कर, कठिन, दुसाध्य, अगम्य। अच्छा, बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा, उत्तम। अजनबी, अनजान, अपरिचित, नवाकिफ। अजीब, अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण। अटल, अविचल, अडिग, स्थिर, अचल। अडंगा, बाधा, रुकावट, विघ्न, व्यवधान। अतीत, भूतकाल, विगत, गत, भूत। अत्याचारी, जालिम, आतताई, नृशंस, बर्बर। अदालत, कचहरी, न्यायालय, दंडालय। अधीन, मातहत, आश्रित, पराश्रित, परवश, परतंत्र। अधीर, आतुर, अधीन था वो, ये अधीर है। आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेकार, उतावला। अध्ययन, पठन पाठन, पढ़ना, पढ़ाई, पठन। अनपढ़, निरक्षर, अशिक्षित, अपढ़,
अनमोल, अमूल्य, बहुमूल्य, बेशकीमती, अनाज, अन्न, गल्ला, नाज, खाद्यान्न। अनाड़ी, अकुशल, अनभिज्ञ, अपटु, अनाथ, तिम, लावारिस, बेसहारा, अनाश्रित, अनिवार्य, अत्यावश्यक, अपरिहार्य, असंभावी, परम आवश्यक, अनुज, छोटा, भाई, अनुभ्राता, औरज, कनिष्ठ, अनुभवी, तजुर्बेकार, तजुर्बेकार, जानकार, अनुभव प्राप्त, अनुमति, इजाजत, सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन, अनुरोध, विनय, विनती, आग्रह, प्रार्थना, अनूठा, अद्भुत, अनोखा, विलक्षण, अपूर्व, अन्न, अनाज, गल्ला, नाज, दाना, अपराधी, गुनाहगार, कसूरवार, मुलजिम, अपवित्र, अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ, दूषित, अफवाह, गप, कवदंती, जनश्रुति, जनप्रवाद, अभद्र, असभ्य, अविनीत, अकुलीन, अशिष्ट, अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, आवभगत, अभिवादन, अमन, शांति, सुकून, सुख, चैन, अमन चैन, अमर, चिरंजीवी, अनश्वर, अजर अमर, अमीर, धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। अर्चना, आराधना, पूजा, पूजन, अर्चन, अली, भौरा, मधुकर, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुप, अलिंद, असत्य, झूठ, मिथ्या, मृषा, अवास्तविक, काल्पनिक, बनावटी, जाली, कृत्रिम, कृतक, खोटा, असत, असभ्य, गंवार, असंस्कृत, अशिष्ट, अभद्र, अविनीत, दुशील, कुलीस, अकुलीन, हीनाचार, असौम्य, अनुग्रही, उजंड, अहिसाप, नाग, फड़ी, फड़धर, सर्प, अंक, संख्या, नंबर, आंकड़ा, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, अंकवार, आंक, धाग, दाग, धब्बा, अंकन, अनुरेखन, प्रत्यंकन, अनुरेखण, रेखानुसरण, अक्ष बनाना, खाखा बनाना, लेखन, अकाई, मूल्यांकन, अंदाजा, आंकने की क्रिया, अंकुर, अंकुआ, आँख, कोम्पल, कलिका, नोक, प्ररोह, कनखा, भराव, उपरोपिका, किसलय, नौपल्लव, अंगज, बेटा, लड़का, सुत, सुवन, आत्मज, तनुज, तनय, नंदन, लाल, पुत्र, रोम, केश, बाल, अंगजा, बेटी, लड़की, सुता, आत्मजा, तनुजा, तनया, नंदिनी, दुहिता, पुत्री, अंगड़ाई, आलस्य दूर करने के लिए शरीर को खींचना, मोड़ना, चेतन के लिए उपक्रम करना, अंगद, बाजूबंद, भुजबंद, बाली पुत्र, बाली कुमार, तारे, बाली तनय, अंगना, कामिनी, वामा, सुंदरी, सुमुखी, अंग अंग भरना, अपंग, अंग भंग करना, अपंग करना, विकलांग करना, अंगहीन करना, हाथ पैर काट देना आदि। अंगार, चिंगारी, अंगारा, दहकता हुआ कोयला, धुआं रहित कोयला, अंगिया, वक्ष, स्थल को ढकने के लिए स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त अंतर वस्त्र, बॉडिस, चोली, कुर्ती, कंचुकी, अंगी, मुख्य, प्रमुख, प्रभावकारी, रस, प्रमुख भाव, अंगीकरण, स्वीकार, स्वीकारोक्ति, आत्मस्वीकृति, कबूल करना, अंगीकार, मंजूर, अंगीठी, प्रतप्त, कोयले का समूह रखने के लिए एक पात्र, बोरसी, आतिश, दान, सिघड़ी, अंगूठी, मुद्रा, मुद्री, छल्ला, मुद्रिका, अंगुष्ठिका, अंगुली मुद्रा, अंगुस्तरी, अंगूर, दाख, किशमिश, दक्षरा, अंगोछा, गमछा, तौलिया, उपवस्त्र, अंग्रेज, फिरंगी, गोरा, आंग्ल, देसी, अंचल, आंचल, पल्ला, पल्लू, छोर, सीमा, प्रदेश, सीमांत, क्षेत्र, किनारा, तट, अंजम, सुरमा, काजल, आजन, आजन, काजल, काजल, अंजुमन, संघ, सभा, मंडली, सभा, योजन, संगठन, अट, संट, अड़बंग, अव्यवस्थित, अनावश्यक, अनुपयुक्त, उटपटांग, अंड, अंडा, डिम्बा, अंडकोश, फोता, अंतःकरण, अंतर मन, अंतरात्मा, हृदय, मन, अंतड़ी, आत, अंतड़ी, अंतर, अंतरपुर, जनान खाना, रनिवास, हराम, हरम खाना, महल के भीतर स्त्रियों के रहने की जगह, अंतर्गत, शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ, गुप्त, अंतर्दृष्टि, ज्ञान, चक्षु, सूझ, आत्मचिंतन, अंतर्द्वंद, मानसिक संघर्ष, दुविधा, अंतर ध्यान, ओझल, गायब, लुप्त, अदृश्य, अंतरहित, अदृश्य, छिपा हुआ, गायब, लुप्त, गुप्त, तिरोहित, अंदेशा, सोच, चिंता, फिक्र, खटका, भय, खतरा, भास, संदेश, अशंका, दुविधा, असमंजस,
अंधकारमय, तमोमय, तमाच्छादित, तिमिरावृत, अंधेर, अंधेर खाता, धांधली, अन्याय, बेइंसाफी, अशांति, विप्लव, अंधेर, अंधेरी रात, तमी, तामसी, तम स्विनी, श्यामा, अम्ब, अम्बा, माता, जननी, अंबार, ढेर, राशि, अंबिका, माता, माँ, पार्वती, देवी, दुर्गा, देव, कन्या, अम्बाष्टलता, अंश, हिस्सा, भाग, अवयव, खंड, टुकड़ा, अंश की भिन्न की रेखा के ऊपर, संख्या, अंकड़, ऐंठ, तनाव, अभिमान, घमंड, सीखी, घृष्टता, ढिठाई, अकड़ जाना, कठोर हो जाना, पथरा जाना, ऐंठ जाना, अकथ, अनिर्वाच्य, अवाच्य, अवचनीय, अकथ्य, वर्णातीत, अवर्णीय, अकस्मात, अचानक, सहसा, तक्षण, संयोगवश, अकारण, अनायास, दैव योग, यकायक, हठात, एकाएक, एकदम, अकारण, बेमतलब, बेबात, बेवजह, बेसबब, नाहक, कारण रहित, निष्प्रयोजन, एकारत, बेकार, व्यर्थ, अकाल, दुर्भिक्ष, भुखमरी, कुसमय, काल, दुष्काल, महंगी, मूल्य वृद्धि, तेजी, अकुलाना, आकुल होना, घबराना, व्याकुल होना, अधीर होना, उबना, उकताना, अकेला, एकाकी, तनहा, एकमात्र, अद्वितीय, अनन्य, अकेले, अकेले, अकेलेतम, अकेलापन, एकांत, एकांतिकता, एकांतवास, एकाकीपन, विविधता, अक्कड़, अनौपचारिक, घृष्ट, नियम विरुद्ध, शिष्टाचार विहीन, गैर रस्मी, बेतकल्लुफ, अक्षर, वर्ण, हरूफ, अविनाशी, अक्षय, अकसर, प्राय, बहुधा, अधिकतर, प्रयास, अधिकांशता, अखंड, पूरा, समूचा, पूर्ण, अभिव्यक्त, अजस्त्र, निरंतर, लगातार, अक्षय, अचूर्ण, अखंडता, सततता, निरंतरता, अविच्छेदता, अविच्छिन्नता, अछिन्नता, पूर्णता, अखरना, बुरा लगना, प्रिय लगना, कष्टदायी लगना, दुखदायी लगना, खलना, आधारहीन, निराधार, अमूल, निर्मूल्य, निराश्रय, भित्तिशून्य, बेबुनियादी, अवास्तविक, अवास्तव, मिथ्या, बेअसर, सरासर, गलत, आधुनिक, आवर्चीन, अप्राचीन, अववर्तमान, नूतन, नूतनकालीन, वर्तमानकालीन, आजकल का, आनंद, उल्लास, आह्लाद, हर्ष, मोद, प्रमोद, लुफ्त, मजा, सुख, आनंददायक, परिहासपूर्ण, हास्यात्मक, प्रमोदपूर्ण, विनोदात्मक, रसिक, आनंदी, आनंदकर, दिलचस्प, रसदायक, आना, आगमन होना, प्रादार्पण करना, प्रवेश करना, पधारना, शुभागमन, तशरीफ लाना, आ धमकना, आ टपकना, उपस्थित होना, हाजिर होना, आनाकानी, उपेक्षा, अनसुनी, कतराना, टालना, बहाना करना, बचाना, जी चुराना, आपत्ति, दुख, क्लेश, विपत्ति, आफत, आपात, आपदा, विपदा, संकट, मुसीबत, वज्रपात, विघ्न, दोषारोपण, आभासी, प्रतीपमान, आभाषमान, भाषित, प्रकाशित, बोधगम्य, द्युतमान, आभूषण, अलंकरण, अलंकार, भूषण, आभरण, जेवर, गहना, आमंत्रित करना, आह्वान करना, बुलाना, सभा बुलाना, संयोजन करना, संयोजित करना, आयुधागार, शस्त्रागार, आयुधागार, शस्त्रागार, शस्त्रशाला, आयुधो, उद्योगशाला, शस्त्र कर्मशाला, हथियार घर, आरक्षण, प्रारक्षण, रक्षण, पूर्व रक्षण, संरक्षण, आराम, बाग, उपवन, वाटिका, बगीचा, फूल, फुलवारी, सुख, चैन, स्वास्थ्य, चंगापन, विश्राम, शांति, राहत, करार, सुकून, सुविधा, ऐसो आराम। उसके बाद है आरोग्य, स्वस्थ, पुष्ट, दृढ़, तंदुरुस्त, सेहतमंद, सेहत, आरोपित करना, थोपना, मत्थे मड़ना, इल्जाम लगाना, लांछन लगाना, आर्थिक, वित्तीय, राजस्व संबंधी, अर्थ विषयक, वित्त विषयक, आलम, जगत, दुनिया, संसार, दशा, हालत, अवस्था, आलसी, सुस्त, स्फूर्तिहीन, निकम्मा, मंद, टीला, स्थिल, सलथ, काहिल, अनुद्योगशील, कामचोर, दीर्घ,
सूत्री चेष्टाहीन अकर्मण्य काहिल निखट्टू अहदी ठलुआ निरुद्योगी आलसी आदमी तंद्रालु व्यक्ति निरुद्योगी व्यक्ति आलसी अकर्मण्य व्यक्ति काहिल आदमी निखट्टू आदमी आलोचना समीक्षा टीका टिप्पणी गुण दोष निरूपण छिद्रान्वेषण नुक्ताचीनी आलिंगन प्रेम आलिंगन परिरंभन अंकमाल अखबार आलोचना समीक्षा टीका टिप्पणी गुण दोष निरूपण छिद्रान्वेषण नुक्ताचीनी आवर्तमान घूर्णी भ्रामी चक्रिल चक्रावर्ती परिभ्रामी घूर्णमान घूम घूम कर चलने वाला रोटरी आवश्यक आवश्यक अपेक्षित जरूरी प्रयोजनी अनिवार्य अपरिहार्य लाजमी आवश्यकरण आवश्यकरण महत्वपूर्ण अनुपेक्ष भूत अनुपेक्षणीय आवश्यकता जरूरत अपेक्षा गरज अनिवार्यता अपरिहार्यता महत्ता आवाज ध्वनि शब्द स्वर वाणी नाद निनाद सुर तान रव सदा पुकार आवारा गर्दी आवारा पंथी गुंडई चरित्रहीनता सौदापन आवेग जोश वेग स्फूर्ति उत्तेजना मनोवेग संवेग सनक उद्वेग आशय अभिप्राय तात्पर्य मतलब निर्मित उद्देश्य नियत आशा आश उम्मीद तवक्को प्रतीक्षा का प्रतीक्षा इंतजार आश्वनित आशापूर्ण आशामय आशावान आश्चर्य अचरज अचंभा वैकल्य विस्मय कौतूहल कौतुक हैरानी कमाल गजब आश्चर्यचकित विस्मित भौचक्का हक्का बक्का चकराया हुआ आश्रम आश्रा भरोसा अवलंब पनाह प्रशय सहारा शरण आश्रित अधीनस्थ शरणागत अधीन निर्भर माथहत आश्वासन विश्वास भरोसा यकीन निश्चय आसन चौकी सिंहासन तख्त आसंदी आसनी सीट आसपास प्रत्येक दिशा में हर तरफ चारों ओर इधर उधर पड़ोस नजदीक निकट आभर ना उच्छ्वास लेना दीर्घ निश्वास छोड़ना ठंडी सांस लेना आहार खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ भोजन भक्ष्य पदार्थ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम ई से शुरू होने वाले शब्दों को देखेंगे। धन्यवाद।